सरकार के कृषि मंत्री ने कहा कि दाल की कीमत 100 रुपये प्रति किलो है। उस पर विपक्ष के नेता अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार के मंत्री को यह नहीं बताया गया कि वह जमीनी स्तर पर नहीं जाते हैं कि दालों का वास्तविक रेट क्या है। दाल कहीं भी 200 रुपये किलो से कम नहीं है। ऐसे में उनको जमीन पे आना चाहिए और बातों को समझना चाहिए। क्या नाम है आपका? रागिनी द्विवेदी। क्या कहना चाहेंगे, जैसे कृषि मंत्री ने कहा तो 100 रुपये किलो दाल? नहीं सर, कहीं 100 रुपये दाल नहीं है, दाल तो 200 से ऊपर जा रहा है। महंगाई सर बहुत ज़्यादा है। जैसे कि मान लीजिए, अगर हम लोग की सैलरी तो बढ़ाई जा रही है, लेकिन उसके साथ महंगाई इतना हो जा रहा है कि सैलरी कम पड़ जा रही है सर। आम आदमी बात बताइए, जैसे आम आदमी कैसे जीवन चलाए, मुश्किल हो रहा है ना सर? बहुत मुश्किल है। इसलिए तो छोटे छोटे जो बच्चे हमारे स्कूल में आते हैं उनको खेत में जाना पड़ता है हर काम के लिए, क्योंकि उनके एक लोग से कमाने से उनका घर नहीं चल पा रहा है। बच्चे सारे बताते हैं इनकम कम है, इसमें दिक्कत हो रही है। क्या नाम है? शशि त्रिपाठी, जंगल पकड़ी। महंगाई तो बहुत ज़्यादा है, बहुत ही गरीब तबका हमारे पास, अमीर तो बहुत ही कम है, मगर हाँ गरीबों की संख्या ज़्यादा है। हमारे भी घर में बहुत से लोग हमारे कांटेक्ट में हैं जो बहुत ही गरीब हैं, जिनके लिए दो वक्त का खाना भी ढंग से बहुत मुश्किल है। मंत्री ने कहा 100 रुपये किलो दाल है। अब वो उनको नहीं पता है, वो कृषि मंत्रालय संभाल रहे हैं, फिर भी उन्हें ये नहीं पता कि कितनी दाल। उन्हें तो ऐसा नहीं बयान देना चाहिए। अगर हम शिक्षक हैं, जैसे कि हमें अपनी चीज़ों को हम ना सही बताएं तो ये तो गलत है। उन्हें रूबरू होना चाहिए ग्राउंड रियलिटी से कि हाँ हमारे कैसी, हमारी जनता कैसी है। सब्जियों का रेट भी काफी बढ़ा हुआ है, बहुत ज्यादा है, 100 रुपये किलो सारी सब्जी है। तो आप खुद सोच सकते हैं, जो 300-400 रुपये दिन का कमा रहा है वो सब्जी कैसे खरीद के खाएगा, वो दाल कैसे खाएगा, वो क्या खाता होगा? वो सूखी रोटी भी खाए, 40 रुपये किलो तो आटा मिल रहा है, तो कैसे खाएगा वो तो दो वक्त का खाना भी वो इंसान शुद्ध नहीं खा पाता, जिसके घर में 4-5 परिवार है, 3 बच्चे हैं 4 बच्चे हैं, जनरली उनके बच्चे भी ज़्यादा रहते ही हैं, तो वो कैसे अपना घर चलाएंगे? ये थोड़ा सा सोचना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। कहना गृहस्थी चलाना काफ़ी मुश्किल है। क्या कहना चाहेंगे, जो कृषि मंत्री ने कहा कि महंगाई कम हो रही है, दाल 100 रुपये किलो बिक रहा है? नहीं, महंगाई तो नहीं कम हो रही है, बढ़ती जा रही है। बल्कि जिसके परिवार में पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं उनकी प्रॉब्लम अलग से, और खैर वो गांव वाले बच्चे हैं, एफर्ट ही नहीं कर पाते हैं इतना, तो वो कहां से रोज आएंगे। और एक समस्या हम और आपको बताना चाहते हैं, जैसे कि जो हाफ डे CL की बात हो रही है, मेरी बेटी जो है वो थैलेसीमिक है, थैलेसीमिया है उसको, जिसको कि हर 15 दिन पर ब्लड चढ़ता है, तो हमारे लिए वो बहुत ज़रूरी है कि हम उसको एडमिट करके जो है, फिर जैसे पहले था कि मानवता के उस पर हो जाता था कि आप देख आइए हम लोग वो कर लेते हैं, तो अब इस समय वो लड़की अकेले ब्लड चढ़ाने, मतलब ये होला सारे ब्लॉक के लोग जानते हैं, मतलब अभी परसों उसने ब्लड चढ़वाया, यही फातिमा में कोविड के बाद से विजय नहीं जा पा रही है, तो यहीं पर हम लोग CLE भाई 15 दिन पर हम कैसे वो कर पाएंगे, हम कितनी छुट्टियाँ बचाएंगे उसके लिए? मतलब वो करते करते आज वो लड़की PhD कर रही है, लेकिन हमको 3 महीने से उसको चढ़वा रहे थे। इसके पहले भी बहुत सपोर्ट किया था, अभी मार्च में ये हुआ था कि हम अपने हेडमास्टर को बताए कि हम थोड़ा लेट होंगे, उसको एडमिट करा के आएंगे, लेकिन हमारे अधिकारी आए और हमको एब्सेंट करके चले गए। देखिए, आपका कहना है कि इस तरह की दिक्कतें तमाम आ रही हैं और उसको सुलझाना चाहिए। जैसे कृषि मंत्री ने कहा है कि दालें 100 रुपया किलो हो गई हैं और महंगाई काफ़ी घट गई है, क्या कहना चाहेंगे? आपको पता नहीं है, आप बताओ महंगाई क्या बढ़ी है घटी है? महंगाई तो बहुत ज्यादा बढ़ी है। जैसे कृषि मंत्री ने कहा 100 रुपये किलो दाल है, जी है 100 रुपये किलो की, 100 रुपया से ऊपर है, 100 रुपया कहाँ दाल है? दाल तो महंगाई, दाल तेल ये सब तो बहुत महंगाई पे है, प्याज आलू का देख लीजिए इस समय। सर हम ये बोलेंगे कि सफर में ऐसे कई मरहले आते नहीं, हैं नहीं, हम ये बता रहे हैं कि जो महंगाई पर जो किसी मंत्री ने कहा गलत, एकदम गलत। महंगाई बहुत स्थिति है, महंगाई बढ़ी हुई है, हर तरफ महंगाई बढ़ी हुई है। 100 रुपया है? नहीं, एकदम गलत। आप बताइए सर, अरे दाल 170-180 के रेट में चल रहा है, 100 तो कहीं नहीं है। और सब्जियों का क्या रेट है? सब्जी का भी रेट बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो महंगाई की बात आप छोड़िए, महंगाई बहुत बढ़ गई है। रह गया, देखिए आप लोगों का कहना है कि महंगाई काफ़ी बढ़ गई है, सरकार को कोई जानकारी नहीं है, और ग्राउंड रियलिटी चेक करें तो उसे पता चलेगी कि जीवन चलाना कितना मुश्किल है। कैमरामैन मुन्ना के साथ डॉक्टर संदू कुमार मिश्रा, TV9 गोरखपुर।